तो सबसे पहले ऑक्सीजन कैन, ये आपका आई थिंक ईजिली किसी भी केमिस्ट से मिल जाएगा। तो मैंने चार उठाए हैं, हम चार पर्सन हैं का एक, बट मैं ये प्रे करूँगा कि इसकी ज़रूरत ना पड़े। तो ये मेरा फेवरेट पार्ट होने वाला है पूरी जर्नी का, क्योंकि मुझे कुकिंग से बहुत प्यार है, तो इसीलिए हमने दो बर्नर्स लिए हैं। जॉनी, कारगिल सिर्फ 3 घंटे का ड्राइव है। हाँ तो क्या हो गया अगले दिन? पर ये है कि बीच में ना ज़ोजिला पास आएगा, वहाँ पर ट्रैफिक की बहुत दिक्कत है। और मैंने ज़ोजिला पास के बारे में पढ़ा हुआ है, वहाँ पर फ्राइडे को हाईवे बंद होता है, तो फ्राइडे तो खैर हमारा आ ही नहीं रहा किसी भी हालत में। हम मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे को आई थिंक ये रोड पे होंगे। हाँ ठीक है। तो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन मैं सारी प्रोवाइड करूँगा, जैसे कि क्या होगा रूट, कितने दिन का हम लोग ट्रिप कर रहे हैं, और कार कौन सी प्रेफर कर रहे हैं, मेडिसिन क्या हमें लेके जानी है, ईटेबल आइटम्स हम क्या क्या उठा सकते हैं, और उसके अलावा बहुत ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको इस पूरे 10 या 15 मिनट के ब्लॉग में कवर करने वाला हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने सजेशन दे सकते हैं आप कि और मुझे क्या उठाना चाहिए। तो मेरा ट्रिप कल से शुरू हो रहा है, जो कि है 24 जून, अगले 10 दिन के लिए। तो आइए चलते हैं पूरी प्लानिंग की तरफ कि कैसे हमने ये रूट डिसाइड किया है, कहाँ कहाँ हमारे स्टॉप्स होने वाले हैं, उसके बाद फिर मैं आपको आगे की चीज़ें कवर करके दिखाऊंगा। तो गाइस प्लीज़ स्टे ट्यून विद माय चैनल। तो पहले जो हमारा रूट होगा, हम एक पूरा सर्किट कवर कर रहे हैं। तो सर्किट कवर जो हम कर रहे हैं, तो मैं इस टाइम हूँ पंचकुला लोकेशन पर। तो पंचकुला से हमारा जो पहला स्टॉप होगा वो होगा जम्मू का। तो हम लोग वाया श्रीनगर जा रहे हैं, क्योंकि मनाली साइड बहुत ज़्यादा रश होगा, तो मैं उसको अवॉइड कर रहा हूँ। मैं वहाँ से वापस आऊँगा, बट जाएंगे हम श्रीनगर से, क्योंकि इसका एक और रीज़न है। अगर हम मनाली से जाते हैं तो वहाँ पर हाइट बहुत है, पासिस बहुत मिलेंगे, एंड मैं नहीं चाहता कि ट्रिप पे पहुँचने से पहले ही हमारी तबीयत ख़राब हो जाए, तो हम लोग इसलिए श्रीनगर प्रेफर कर रहे हैं। तो अब मैं आपको अपना पूरा आइटनरी जो है वो एक्सप्लेन करूँगा। तो पहला है हमारा स्टॉप होगा जम्मू। जम्मू से देन आप देख सकते हैं यहाँ आ रहा है श्रीनगर। तो हमारी कोशिश ये रहेगी हम सेकेंड डे श्रीनगर में रुकेंगे। श्रीनगर से हम लोग सोनमार्ग कवर करेंगे, सोनमार्ग हम अपना थर्ड डे स्पेंड करेंगे, देन डायरेक्ट सोनमार्ग से हम लोग कवर करने वाले हैं लेह तक का जर्नी। तो इस बीच आपका जो ज़ोजिला पास है यहाँ आता है, देन कारगिल से होते हुए, देन कारगिल से हम लोग सीधा लेह में एंटर करेंगे। ये रहा आपका लेह। तो यहाँ पर आप 4 से 5 लोकेशंस हैं अलग अलग। यहाँ कहीं पर है डिस्किट मॉनेस्ट्री, खारडुंगला, नुब्रा वैली कवर करेंगे, लेह का ही बहुत एक लोकल एरिया है वो सब कवर करेंगे। देन यहाँ से हमारे नीचे कहीं पेंगोंग लेक आती है वो कवर करेंगे, सोमोरीरी लेक कवर करेंगे। तो 4 से 5 दिन हम लगभग लेह को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, देन वी विल कम बैक वाया जिस्पा, केलोंग एंड मनाली। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो रूट रहेगा। तो ये दिस रोड वी विल फॉलो, लेट मी शो यू। तो ये आपका लेह है, लेह से आपका ये जो हाईवे आ रहा है दिस वन, ये येलो लाइन, तो लेह से मनाली। इसी बीच सारे पासिस आते हैं, आपका मोरे प्लेन्स आएगा, टांगलांगला पास आएगा, नकीला पास आएगा, बारल अछला पास आएगा, जो कि बहुत ही सीनिक ब्यूटी है वहाँ पर, उसे भी कवर करेंगे ज़रूर। देन जिस्पा आएगा, देन केलोंग आएगा, देन मनाली, एंड देन मनाली से बैक टू पंचकुला। तो टोटल 10 डेज़ का ट्रिप रहेगा। आई होप आपको जो मेरा ट्रैवल प्लान है, ट्रैवल आइटनरी है, जो एक रूट हम फॉलो करने वाले हैं, वो आई होप आपको समझ आ चुका है। तो लगभग 10 दिन का ट्रिप है, और अराउंड 2600 to 2800 किलोमीटर्स का ये जर्नी रहेगा। पंचकुला, श्रीनगर, सोनमर्ग, लेह, मनाली, देन अगेन पंचकुला। तो एक बार अब मैं आपको, मैंने एक पेपर पे एक आइटनरी प्रिपेयर करा था कि कौन सा डिस्टेंस, कौन सी जो जगह है वो दूसरी लोकेशन से कितने डिस्टेंस पे है, और कितना उसका ऑल्टीट्यूड रहेगा, एंड कितना टाइम लगता है बेसिकली हमें पहुंचने के लिए। ठीक है, तो मैं आपको एक बार अपना आइटनरी दिखा देता हूँ। तो गाइस सबसे पहला, हम लोग कल 24 जून को निकल रहे हैं पंचकुला से जम्मू। पहला स्टॉप जम्मू में करेंगे, जो कि है 374 किलोमीटर, 8 से 10 घंटे की जर्नी। जम्मू में कुछ खास नहीं है मेरे हिसाब से, कल हम आराम से रेस्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे। 25 तारीख को सुबह निकलेंगे जम्मू से सोनमर्ग। तो हो सकता है हम यहाँ पर कश्मीर भी टाइम स्पेंड करें बीच में, या एक दिन हम कश्मीर भी लगा सकते हैं। तो ये टोटल जर्नी रहेगी 325 किलोमीटर्स की।
देन अगर हम कश्मीर में स्टे करते हैं तो हम 26 तारीख को फिर सोनमर्ग पहुंचेंगे। तो ये आइटनरी जो है आप इनमें से स्टॉप्स फॉलो कर सकते हो, बट ज़रूरी नहीं है आपको इसी के हिसाब से प्लान करना, आप एक दो दिन ऊपर नीचे अपने कर सकते हो जैसे कि हम करेंगे। तो 26 को हम सोनमर्ग टू लेह कवर करेंगे, यहाँ पर आपका ज़ोजिला पास आएगा, कारगिल आएगा, उसको कवर करते करते 10 घंटे की जर्नी 340 किलोमीटर की है लेह तक की। देन 27 जून को हम थोड़ा रेस्ट करेंगे क्योंकि क्लाइमेटाइजेशन, मैंने काफ़ी सुना है कि लेह पहुँचते पहुँचते आपकी काफ़ी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो 27 जून को हम लोग लेह को एक्सप्लोर करेंगे, वहाँ के लोकल एरियाज़ को आराम से रेस्ट करेंगे। 28 को हमने वेडनेसडे को सोचा है कि हम डिस्किट मोनेस्ट्री, नुब्रा वैली, खाडुंगला सारा कवर करेंगे 120 किलोमीटर। देन 29 को पेंगोंग लेक जाएंगे, वहाँ स्टे करेंगे। 30 जून को हम सोमोरीरी का ट्राई करेंगे कि सोमोरीरी विजिट कर सके, वरना वहाँ पर एक टुरतुक विलेज है वो भी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, देखेंगे जैसे भी कंडीशंस रही। देन 1 जुलाई को अगेन वी विल रिलैक्स क्योंकि 2 और 3 जुलाई को हम ट्रैवल करेंगे वापसी, तो 1 जुलाई मैं चाहता हूँ कि हम आराम से रिलैक्स करें और लेह को और एक्सप्लोर करें अगर कोई जगह रह जाती है। देन जो आपका 2 और 3 जुलाई है वो हम आपको लेह टू केलोंग का नॉन स्टॉप एक स्ट्रेच करेंगे क्योंकि इस बीच ऑक्सीजन की बहुत कमी होने वाली है, तो मैं नहीं चाहता कि हम वहाँ पर कहीं स्टे करें। एंड मोर ओवर स्टे का आई थिंक सरचू में है एरिया, तो बट मैं अवॉइड करूँगा, तो हम सीधा केलोंग का जर्नी करेंगे ले से। एंड देन नेक्स्ट डे ऑन 3 जुलाई वी विल कम बैक टू पंचकुला। तो ये पूरा ले से पंचकुला का जो है वो लगभग 750 to 800 किलोमीटर का स्ट्रेच होगा, तो ये एंटायर जर्नी आपकी अराउंड 2500 से 2700 किलोमीटर के आसपास होने वाली है। तो अगर आपको मेरी आइटनरी पसंद आ रही है तो आप इसी आइटनरी को सेम एज इट इज़ फॉलो कर सकते हैं और अपने ट्रिप को प्लान कर सकते हैं। तो गाइस आई होप आपको मेरा रूट्स और जो सारी मेरी प्लानिंग है वो क्लियर हो चुकी है। तो अब चलते हैं जो एक्स्ट्रा चीज़ें मैं अपने साथ कैरी कर रहा हूँ, कपड़े, खाने का सामान, मेडिसिन, व्लॉगिंग का सामान, तो हम वो सब कुछ अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं अपने साथ क्या क्या लेके जा रहा हूँ जो आपके ट्रिप में बहुत 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 हेल्प करेगा। और आई थिंक आपको भी ये सब कैरी करना है, कोई बड़ी गाड़ी है तो जिसका डिक्की या बूट स्पेस बहुत अच्छा है तो आप अपने साथ, मैं ज़रूर यही कहूँगा, रिकमेंड करूँगा कि आप अपने साथ इतना सामान तो ज़रूर कैरी करें। तो सबसे पहला पॉइंट, मेरे पास गाड़ी है टाटा सफारी जो कि ऑटोमेटिक कार है, 7-सीटर है, बट हम लोग 4 लोग हैं इस ट्रिप के लिए, तो जो लास्ट रो होगी मेरी वो बिल्कुल उसकी जो सीट्स हैं वो मैं पूरी की पूरी नीचे गिराऊंगा ताकि मुझे एक अच्छा बूट स्पेस मिले, लगभग 550 लीटर का बूट हो जाएगा। तो आई थिंक हमारे पास इनफ लगेज कैपेसिटी है रखने का सामान, तो हम 4 लोग हैं तो हमारे पास ऑलमोस्ट हमारे 4 बैकपैक्स, लैपटॉप बैग्स, ईटेबल आइटम्स, काफ़ी कुछ होगा तो उस हिसाब से एडजस्ट हो ही जाएगा। तो आइए चलते हैं एक बार खाने की ओर, मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि मेरे पास क्या क्या आइटम्स हैं। अब मैं इनको एक एक करके यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा कि ये आइटम क्या है और आपके किस काम आएगी पूरी जर्नी में। तो ये मेरा फेवरेट पार्ट होने वाला है पूरी जर्नी का क्योंकि मुझे कुकिंग से बहुत प्यार है, तो इसीलिए हमने 2 बर्नर्स लिए हैं। ये मैंने लाइटर रखा है इमरजेंसी में, वैसे तो इनका यहाँ पर लाइटर आपको मिल जाएगा बट स्टिल मुझे इस पर भरोसा नहीं है इतना, तो मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइटर या मैचस्टिक या किसी चीज़ से भी ये बर्न हो जाएंगे। इनको चलाने के लिए मेरे पास हैं ये 6 सिलेंडर्स जो कि है ब्यूटेन गैस के, तो ये एक सिलेंडर लगभग आपका 3 घंटे की कुकिंग जो है वो कर लेता है। तो मेरे पास लगभग 20 घंटे से 24 घंटे का अगर नॉन स्टॉप मुझे कुकिंग करनी है तो मेरे पास जुगाड़ है उस चीज़ का, ठीक है। तो ये हमारा पूरी कुकिंग में बहुत हेल्प करेगा, रास्ते में मैगी खानी है, चाय पीनी है, कुछ भी करना है तो हम फीलिंग लेने के लिए एक बना सकते हैं, मज़ा आएगा, उसका एक अलग एक्सपीरियंस होगा। देन हमारे पास आ जाती है डिस्पोजेबल पानी की छोटी बॉटल्स, ये मेरे पास 3 पैक और हैं, तो हम टोटल 72 बॉटल्स कैरी कर रहे हैं क्योंकि ऊपर पहाड़ों में क्या होता है कि आपको डबल रेट की चीज़ें मिलती हैं, तो मैं नहीं चाहता कि हम फालतू में एक्सपेंडिचर्स अपने और बढ़ाएं, तो इसलिए हम पानी सही से साथ लेके चल रहे हैं, बाकी ज़रूरत पड़ेगी तो और वहाँ पे ले लेंगे। और पानी बहुत ज़रूरी है इस ट्रिप में क्योंकि हाईली ऑक्सीजन की वहाँ पर कमी रहती है, तो अपने आप को हम डिहाइड्रेट नहीं होने देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है गाइस ये जो है विंड शीटर, ये आपका रेनकोट स्टफ़ का जो वो होता है पैंट एंड जैकेट, देन स्नो प्रूफ ग्लव्स, ये सारा मैंने डीकैथलॉन से लिया था, देन पोलराइज्ड सनग्लासेस, ये 2 रेबन के हैं, एंड ये मैंने
डीकैथलॉन से लिया था, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट मुझे लगा। अगर आपका बजट लो है, आपको नई 10-15 हज़ार के रेबान ख़रीदने, तो आप ये 900 रुपये का चश्मा भी ख़रीद सकते हैं। ये 900 रुपये का चश्मा है डीकैथलॉन से, एंड बहुत ही सही लगा था मुझे, इसको पहन के भी लुक काफ़ी अच्छी आ रही है। उसके बाद मैं अपने, जैसे कि मैं स्पेक्स लगाता हूँ, तो मैं अपने साथ अपने लेंसेज भी कैरी कर रहा हूँ। एंड यहाँ पर मेरा ब्लॉगिंग का सामान आ जाता है, एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क लेके जा रहा हूँ, एक ये मैं सॉकेट लेके जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ के हॉस्टल्स पे मुझे नहीं लगता होटल्स में कि ज़्यादा मुझे सॉकेट्स मिलेंगे एक रूम में, और हम चार जने हैं, हमें चार्जिंग वगैरह में दिक्कत ना है, तो मैं ये मल्टी प्लग लेके जा रहा हूँ। लैपटॉप है मेरे पास, छोटा सा बैकपैक है, इसमें सारी मेरे केबल्स आएंगे, चार्जर्स, घड़ी का, एप्पल वॉच का, सब कुछ आएगा। एक मैंने इमरजेंसी लाइट रखी है वहाँ पर, ये मेरी इमरजेंसी लाइट है पावर बैंक के साथ। एंड ये मैं दो एक्स्ट्रा बल्ब्स लेके जा रहा हूँ, जो कि USB बल्ब्स हैं, पावर बैंक पे आराम से चल जाएंगे। एंड एक मेरा मोबाइल स्टैंड है, जो जितना भी मेरा फ्रंट का रूट होगा उस जर्नी में कैप्चर करने के काम आएगा। देन नेक्स्ट है हमारे पास ये डीकैथलॉन से मैं दो फोल्डेबल स्टूल्स लाया था, कहीं भी अगर हमें बैठना है, आराम करना है, सड़क किनारे, नदी किनारे, या हमें अपनी कोई कुकिंग करनी है, तो दो बंदे इजीली इस पे आराम से बैठ के रेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये 700 रुपये का एक स्टूल है, एंड ये वर्थ है, मैं तो ये सबको रेकमेंड करूँगा, ये ज़रूर लेकर जाओ। ये आपकी जगह बिल्कुल नहीं घेरता, क्योंकि फ़ोल्ड ईजिली हो जाता है। ये देखिए मेरे एक हाथ से ही फोल्ड हो गया, ठीक है, तो ये ऐसे आपका फोल्ड हो जाएगा, और ये गाड़ी में आप आराम से इसको ऐसे रख सकते हैं। 700 रुपये का आएगा क्वेचा का, डीकैथलॉन से आप ले सकते हैं। देन ईटेबल आइटम्स आ जाती हैं, तो इसमें मेरे पास रेडी टू ईट मैगी, चिप्स, केक्स, मैगी हम अपने कुकिंग करेंगे, पोहा भी मुझे इसमें दिख रहा है, पोहा है इसमें हमारे पास, मखाने हैं, बादाम है, नींबू रखा है, शहद, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, जैम, जूसेस, ग्लूकॉन डी, कॉर्नफ्लेक्स हैं, बाकी यहाँ पर और जूसेस हमने यहाँ पे रखे हुए हैं, ताकि कोई कमी ना हो पूरे ट्रिप में खाने पीने की। एंड सबसे बेस्ट आइटम है ग्लूकॉन डी, ग्लूकॉन डी भी हमने यहाँ पे रखा हुआ है। एंड इसके अलावा आई थिंक थोड़ा और खाने का सामान है, अब मैं इसको नहीं खोल रहा, पहले इतना मैसेज हो चुका मेरा रूम। ओके तो ये हो गया खाने पीने के आइटम्स, जो हमारे ट्रिप में हमारे काम आएंगी। एंड नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, मेडिसिंस। मेडिसिंस कवर करने से पहले, ये जो आप ब्लैक पॉलिथीन देख रहे हैं, इसके अंदर सारा डिस्पोजेबल स्टफ़ है, जैसे कि प्लेट्स, 100 प्लेट्स हमने रखी हैं, 100 स्पून्स हमने रखे हैं, ग्लासेस रखे हैं हमने, सब कुछ। अब इस ट्रिप का सबसे ज़रूरी, तो गाइस मैंने अब ऑलमोस्ट सारी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, एक चीज़ रह गई है जो मेरी अभी भी नज़र में आई है, ये भी बहुत ज़रूरी है, छोटी सी चीज़ बट इसका भी अपना एक रोल है, दिस। एंड आई होप आप समझ चुके होंगे कि क्या है, ये एक फनल है, कीप है। तो वैसे तो पेट्रोल पंप्स का कोई इशू नहीं होगा पूरे ट्रिप में, बट स्टिल हमने एक ये रख लिया है। एंड मेरे पास 10 लीटर का एक जेरी कैन भी है, वो नीचे गाड़ी में ही पड़ा है, और इमरजेंसी के लिए हम थोड़ा सा फ्यूल अपने पास एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि मैंने देखा है जितने भी बाइकर्स जा रहे होते हैं, खैर उनके तो टैंक छोटे होते हैं, बट अपनी गाड़ी का है 50 लीटर का टैंक, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट स्टिल इमरजेंसी के लिए मैंने ये रख लिया है। इसके अलावा गाड़ी की भी एक्सेसरीज़ में लेके जा रहा हूँ, जैसे कि जैक हो गया, हवा भरने वाला हो गया, एयर पंप बोलते हैं उसको, एयर पंप हो गया, पंचर किट हो गया, उसके अलावा एक नाइफ़ रखेंगे एक्स्ट्रा गाड़ी के अंदर, कल को कुछ प्रॉब्लम हो, सीट बेल्ट काटनी पड़ जाए, कुछ काटना पड़ जाए, नाइफ होना चाहिए गाड़ी में ज़रूर, वो रखेंगे। अच्छा अब हम चलते हैं मेडिसिंस की ओर। तो मेडिसिंस के लिए गाइस मैं 3 से 4 मिनट अलग से बोलूँगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी मेडिसिंस को मैं कवर कर रहा हूँ। एंड प्लीज़ ये मेडिसिंस आप अपने साथ ज़रूर रखें, अगर आप किसी भी बाइक ट्रिप और रोड ट्रिप या कार ट्रिप पे जा रहे हैं, जो लगभग 8 से 10 दिन चलने वाला है, तो आई वुड रिकमेंड कि ये सब चीज़ें आपके पास ज़रूर हों। तो सबसे पहले ऑक्सीजन कैन, ये आपका आई थिंक ईजिली किसी भी केमिस्ट से मिल जाएगा, तो मैंने ये 4 उठाए हैं, हम 4 पर्सन्स हैं सबका एक, बट मैं ये प्रे करूँगा कि इसकी ज़रूरत ना पड़े, बट इमरजेंसी के लिए कुछ भी हो सकता है, तो मैंने ये रखा है। 400 रुपये का कैन है, 1600 के 4 में लेकर आया हूँ। इसके अलावा और मेरे पास मेडिसिंस हैं, मैं उनको अभी आराम से यहाँ बैठ के आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा कि कौन सी मेडिसिन का क्या यूज़ होने वाला है, ठीक है, थैंक यू। तो गाइस व्लॉग पूरा बन चुका है,
बस रात को बैठ के एडिटिंग करूँगा और उसमें मैं सब कुछ कवर कर रहा हूँ, हमारा रूट, थिंग्स टू कैरी, मेडिसिन, ये वो, अदर स्टफ, क्या क्या लेके जा सकते हैं। अब मैं एक बार तुम्हें दिखा देता हूँ, ये सारा सामान तैयार हुआ है मेरी तरफ से। मेरा लैपटॉप बैग, इसमें हमारा सारा खाने का सामान है इस बैग में। ये जो सामान है ये हमारे आगे पैरों में रहेगा, क्योंकि इसमें हमारा पैग के साथ कुछ खाना पीना है, ये चिप्स चुप्स नमकीन, ये पैग वाला सामान है, अलग से इसका लिफाफा तैयार किया है। ये होगा डिस्पोजेबल, इसमें मेरे सर्दियों के कपड़े, जीन्स जून्स टी शर्ट्स इनर्स, ये वो। ये हो गया मेडिसन्स, ऑक्सीजन सिलेंडर, गैस कैंस, गैस स्टोव, सब इसमें है। इसमें थोड़ी स्पेस है हमारे पास, और कुछ एडजस्ट हो जाएगा। ये मेरी जैकेट्स, ये दो स्टूल्स, ये पेटी एज इट इज़ आएगी गाड़ी में, ठीक है। बाकी एक मेरे पास आइस बकेट है, आइस बकेट में ये सारी बॉटल्स में एक खोल के उसमें बर्फ़ डाल दूँगा। तो ये अपने पास सामान है सारा, हो जाएगा एडजस्ट, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो गाइस, मेरी सारी जो पैकिंग है, जो मैंने आपको दिखाया था बेड पूरा पूरा पीछे खाली हो चुका है, तो मेरी पैकिंग सारी हो चुकी है। एंड ये मेरा जो मेरी तरफ से जो सामान होना चाहिए था वो सारा यहाँ पड़ा है। एक बैग हमारा पूरा खाने के सामान से है, दूसरे बैग में हमारा गैस सिलेंडर्स, मेडिकल किट्स, ये सब कुछ है। देन दो बैग में मेरा विंटर का क्लोथ्स हैं, शूज़ हैं, अलग अलग चीज़ें, एंड देन ये दो स्टूल्स हैं, ठीक है। तो अब मैं एक बार नीचे जाऊंगा, इन सारी चीज़ों को गाड़ी में एडजस्ट करूंगा, एंड देन आपको एक बार कार का भी एक ओवरव्यू दे दूंगा कि उसमें मैंने क्या क्या रखा हुआ है, गाड़ी की एक्सेसरीज एंड ऑल, ठीक है। तो गाइस, मेडिसिन्स मेरे पास हैं दो बॉक्सेस, तो मैं एक बार आपको एक जल्दी से इसका ओवरव्यू दे देता हूँ कि मैं क्या क्या लेके जा रहा हूँ और कौन सी मेडिसिन का क्या बेनिफिट होने वाला है। सबसे पहले तो बेसिक विक्स की गोलियाँ हैं, इसमें 30-40 गोलियाँ ली है मैंने, गला ख़राब होगा तो ये काम आएगी। उसके बाद मेरे पास दो कॉटन के पैकेट्स हैं, अगर कोई चोट लग जाती है, कुछ हो जाता है, वैसे ना हो, आई होप मुझे किसी भी मेडिसिन की ज़रूरत ना पड़े पूरे ट्रिप में, बट स्टिल एमरजेंसी की रखनी पड़ती है। देन ये हमारे पास 5 ORS इलेक्ट्रोलाइट के सैशेज हैं, एक सैशे से आप 1 लीटर की बॉटल तैयार कर सकते हो, तो आई थिंक 5 लीटर इनफ रहेगा डिहाइड्रेशन के लिए। एंड देन ये कुछ इनो या गैसोफास्ट के कुछ पैकेट्स हैं एसिडिटी के लिए। उसके अलावा मेरे पास सेवलॉन है यहाँ पर, कुछ पट्टियाँ लेके जा रहा हूँ कभी कुछ चोट लग जाए तो कवर करने के लिए। इसके अलावा मेरे पास है कोल्ड की मेडिसिन, ये भी कोल्ड की मेडिसिन है, बेसिकली कुछ भी इन्फेक्शन हो रहा है गले में तो उसके लिए मैं लेके जा रहा हूँ मॉन्टियर एलसी एंड बेटनोसोल, ये आपकी कोल्ड की मेडिसिन हैं जो मुझे बहुत इफेक्टिव लगती हैं। ये आपकी आ जाती है लूज़ मोशन की मेडिसिन, लूज़ मोशन की मेडिसिन का नेम है लोपिपेन 2। आप मेडिसिन पे मत जाइए, मेडिसिन तो कोई भी ब्रांड हो सकता है, बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किस चीज़ की मेडिसिन आपको रखनी है। कोल्ड हो गया, लूज़ मोशन हो गई, ठीक है, एक बॉक्स कवर भी हो गया हमारा, बड़ी जल्दी कवर हो गया। अब दूसरा बॉक्स खोलते हैं, इसमें सामान ज़्यादा होगा। तो ये है एक मेरे पास कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि मुझे तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है लॉन्ग जर्नीज में कॉन्स्टिपेशन की, तो उसके लिए सिरप है, सिरप यूज़ होगा आपका। सिरप का मैं नेम बता देता हूँ, नेम तो मैं क्या ही बताऊँगा, दिखा देता हूँ स्क्रीन पर। तो ये आपका कॉन्स्टिपेशन का सिरप है, एक पैकेट इनो का रख लिया मैंने, और ये है ऑर्थोडॉक्स MR, ये मसल रिलैक्सर है, कोई भी आपको मोच आ जाती है, कुछ हो जाता है, तो ये मेडिसिन बहुत काम की है, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। इसके मैंने 2 पैकेट रखे हैं ऑर्थोडॉक्स MR, ठीक है। देन ये आपका आ जाता है सांस की दिक्कत, तो ऑब्वियसली अगर आप इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे जा रहे हो तो आपको सांस लेने में भी इशू आता है, तो उसके लिए मेरे पास ये मेडिसिन है, इसका नाम है डेरिफाइलिन रिटार्ड 150, ये बहुत ही ज़्यादा काम की मेडिसिन है। इसके अलावा कफ सिरप है, बाम है, कुछ और मेडिसिन है, जैसे कि एसिडिटी की मेडिसिन है, हाई फीवर की है, नॉर्मल फीवर की एंड हाई फीवर की दोनों है, क्रोसिन, डोलो, ये कौन सी है, वेंटो, एसिडिटी की भी है, कफ सिरप हो गया, आई थिंक मैं कवर कर चुका हूँ कफ सिरप।
ये भी एसिडिटी की है, एक और ये है, एक है मेरे पास वॉमिटिंग की मेडिसिन, वॉमिटिंग के लिए मैं लेके जा रहा हूँ वोमिकाइन MD4। स्टमक एक पेट दर्द हो जाता है तो उसके लिए मेफ्टल पास। लूज मोशंस हैं वो मैंने दिखाया था आपको कॉन्स्टिपेशन, ये है लूज मोशन, एक लूज मोशन की और है, वो दोनों को इकट्ठे लेना है। ये है स्पॉरलैक, स्पॉरलैक डी एस लूज मोशन के लिए। कुछ बैंडेजेस हो गई एंड देन आपकी सेफ्रामाइसिन की क्रीम, एंटीसेप्टिक क्रीम। तो कुछ बेसिक मेडिसिन मैंने ली हैं एंड ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ था, आई थिंक इन पे अराउंड 1500-2000 की कुछ मेडिसिन मेरी आ गई थी, बट ये होनी बहुत ज़रूरी है। और अपने मेडिकल बॉक्स में एक सीजर ज़रूर रखें जो कि मैं रख रहा हूँ। इसके अलावा 4 ऑक्सीजन सिलेंडर जो मैंने लिए हैं वो मैं कवर कर चुका हूँ। तो ये पूरा मेडिसिन का पैक है जो मैं लेके जा रहा हूँ। इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली आप उसकी मेडिसिन कैरी करो, बट बेसिक ये आपके पास ज़रूर होना चाहिए। तो गाइज इसी के साथ मेरा जो ये ब्लॉग है मैं इसको ख़त्म करूँगा। आई होप मैंने एक एक इन्फॉर्मेशन इसमें आपको दी है, सब कुछ पूरा किया है, अपने रूट से लेकर चीज़ें क्या क्या मैं लेके जा रहा हूँ, कौन सी चीज़ कब काम आएगी, कहाँ स्टे कर रहे हैं, मेडिसिन कौन सी चाहिए। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, अपनी सजेशंस भी आप दे सकते हो। आपकी सजेशंस को मैं ज़रूर, आपकी एडवाइसेस जितनी भी हैं उन एडवाइसेस को मैं ज़रूर लूँगा, देखूँगा मैं और क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ अपने अपकमिंग ब्लॉग्स में। तो कल से हमारा ट्रिप शुरू हो रहा है, मेरी जर्नी को ज्वाइन करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। तो अगले 9 या 10 दिन मैं कहाँ कहाँ जा रहा हूँ पूरा का पूरा आपको वो मैं एरिया दिखाऊँगा, उसको हम कोशिश करूँगा डेली ब्लॉग बना पाऊँ, बट मुश्किल होगा। बट ये ब्लॉग तो मैं आज रात को ही डालने वाला हूँ ताकि आप सब मेरे साथ जुड़ सकें। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको कल जम्मू में। थैंक यू, बाय बाय।